फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कोकोनट आइसक्रीम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए हम पहले एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हम ये इसको क्रीम को ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, अभी 3 मिनट्स तक मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे फ्रेंड्स। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर हम अब ये कटे हुए कोकोनट को डाल देंगे और हम डालेंगे इसके अंदर में ये कोकोनट का पानी। पानी हमें इतनी कंसिस्टेंसी में डालना है फ्रेंड्स कि ज़्यादा पतला भी नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हमारा ये पेस्ट एकदम से रेडी है। अब हम इसको क्रीम के अंदर मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। ये पूरा निकाल के इसके अंदर में अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा अब पूरा मिक्स हो चुका है अच्छे से। इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। इसमें मैं आधा डब्बा कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कितना मिठास आपको चाहिए फ्रेंड्स। अब हम इसको अच्छे से फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से। साइड में रखती हूँ और हम इसको मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे ऐसा मोल्ड लिया है, आप अपने पसंदीदा मोल्ड ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ श्रेडेड कोकोनट ताकि आपको ये कोकोनट वाली फीलिंग आ सके। और इसको मैं अब थोड़ा सा इसमें स्टर कर दूंगी फ्रेंड्स। इसको अब मैं फॉइल से अच्छे से ढक दूंगी, अच्छे से टाइट करके, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्ट ना जा सके और ये अच्छे से फ्रीज्ड हो। और इसको अब मैं 7 to 8 hours के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी फ्रेंड्स। इट्स बीन 7 to 8 hours, लेट्स सी हमारा कैसा सेट हुआ है आइसक्रीम। ओ वाओ, ये इतना अच्छे से सेट हुआ है फ्रेंड्स। जस्ट हैव अ लुक, दिस लुक्स वंडरफुल। चलिए अब इस यमी आइसक्रीम को हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हियर इज माई कोकोनट आइसक्रीम। यू कैन सी इट्स रेडी एंड इट्स लुक्स यम्मी। Thank you for watching my videos, and for more videos don't forget to like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bye bye.